गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस ऑनलाइन क्लास के आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रस्ताव या प्रावधान किए गए हैं वे भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए हैं, क्योंकि शिक्षा के बगैर एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र को सही दिशा देने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों की पहचान करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिकों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अधीन राज्य का यह कर्तव्य बताया गया कि वह बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। परंतु शिक्षा के महत्व को देखते हुए इतना ही काफ़ी नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है तथा बालकों को शिक्षा से वंचित कर भारत के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करना बेमानी हो जाती है। आश्चर्य नहीं कि इसी कारण बालकों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है। सर्वप्रथम उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के खंड 4 के अनुच्छेद 45 को खंड 3 के अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीने के अधिकार का एक अवयव है। उसके पश्चात मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आशय का निर्णय देते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। न्यायालय के इन अभूतपूर्व निर्णयों ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किए जाने की मांग को बलवती किया। अंततः 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर प्राथमिक शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य बनाते हुए इसे
मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 में खंड क को जोड़कर प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपबंध का लोप कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आय के बालकों की देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ट क्रम को जोड़कर माता पिता या संरक्षकों का यह दायित्व निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सर्वप्रथम 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने की थी। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बाद में संविधान निर्माताओं ने स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने पर बल दिया और शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के प्रावधान को भाग 4 में स्थान दिया। नीति निदेशक तत्वों में स्थान पाने के कारण इसकी विधिक महत्ता नहीं रही, फिर भी समय समय पर केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में कदम उठाए गए। हालांकि इन प्रयासों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता था, 1966 में कोठारी आयोग ने देश के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु दुर्भाग्यवश आयोग की इस सुझाव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1974 में घोषित बाल नीति, 1986 की शिक्षा नीति तथा 1990 ईस्वी की नई शिक्षा नीति में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, पर दृढ़ इच्छा शक्ति तथा निरंतरता के अभाव में इस क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी। शायद यही कारण है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी हम न तो 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं और न ही सभी बालकों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध करा पाए हैं। भारत ने दिसंबर 1992 में बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर की धारा 28 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का प्रावधान किया गया है। बाल अधिकार चार्टर के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक माना जाए। विकसित देशों में इस चार्टर के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, परंतु प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधिकार काफ़ी सीमित हैं तथा इनके आय के स्रोत भी कम है। 73वें और
1974 में संविधान संशोधन द्वारा 8वीं कक्षा तक की प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के अधीन करने का प्रावधान किया गया है, किंतु इसका वास्तविक हस्तांतरण अभी नहीं हो सका है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्राथमिक शिक्षा की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है, पर इस अधिनियम की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना भी की जाती है। विधेयक में वर्णित शिक्षा का अधिकार सशर्त है। अनुच्छेद 21 क के अनुसार शिक्षा का यह अधिकार उस रीत से दिया जाएगा जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। इस विधेयक द्वारा शिक्षा प्रणाली में व्याप्त असमानता को दूर करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। स्कूल पूर्व शिक्षा के बारे में विधेयक मौन है, क्योंकि इसमें मात्र 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का ही उल्लेख है। विधेयक में बालकों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, माता पिता तथा संरक्षकों का मौलिक कर्तव्य बताया गया है, जो भारत जैसे गरीब देश में संभव नहीं है। भारत में बालकों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व तथा बेहतर नियोजन की आवश्यकता है। अगर सभी लोग अपने कर्तव्यों का समुचित अनुपालन करें तथा सरकार द्वारा समुचित धन मुहैया कराया जाए तो लक्ष्य हमारी पहुंच से दूर नहीं है तथा हम एक सुनिश्चित तथा समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।